हाय गाइस, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस के इस कोर्स के अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की। तो ओवरफ्लो का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे पास जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो कर जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने एक बॉक्स क्रिएट करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इस बॉक्स को एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स, और इस क्लास को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ वापस डॉट बॉक्स। मैं इसको यहाँ पर इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ और फिर इसमें कंटेंट डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ओवरफ्लो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओवरफ्लो को हम किस तरीके से जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, कितने हाइट का? 300 इसकी हाइट है और विड्थ इसकी है 500। मैं इसकी विड्थ भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 300 बाय 300 कर लेते हैं। आप चाहें तो बढ़ा दें, कम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं यहाँ पर आपको डमी कंटेंट उठा के दिखाता हूँ, डमी टेक्स्ट, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा टेक्स्ट को पूरा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। अच्छा, ये डिव मैं हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा जो मेरे पास डिव्स लगी हुई है मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स है और एक डिव है, और यहाँ पर मैं इसको दो दफ़ा कॉपी करता हूँ। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, ये देखिए ओवरफ्लो कर रहा है मेरे पास, ये जितना भी कंटेंट है, ये पैराग्राफ मेरे पास जो है ये ओवरफ्लो कर रहा है, यानी जो मेरा बॉक्स है उससे बाहर जा रहा है, मेरे डिव से बाहर जा रहा है। तो इसको जो है वो सही से सेट करने के लिए, यानी कि ये बॉक्स के अंदर ही रहे, इसके बाहर ना जाए, इसमें भले स्क्रॉल आ जाए, स्क्रॉल स्क्रॉल वाइज बन जाए ये बॉक्स, बट ये बाहर ना जाए कंटेंट। तो ऐसा काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ओवरफ्लो का यूज़ करते हैं। तो ओवरफ्लो में हमारे पास तीन तरह की प्रॉपर्टी आती है, एक ओवरफ्लो एक्स होती है और एक वाई होती है, और इसी का एक शॉर्ट हैंड होता है जो थर्ड प्रॉपर्टी है भाई आपके पास, सिर्फ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं। ओवरफ्लो में अगर यहाँ पे लिखूँ ओवरफ्लो, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओवरफ्लो, ओवरफ्लो में मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी होती है, फिलहाल हम ओवरफ्लो देख रहे हैं। तो हमारे पास ओवरफ्लो आती है ऑटो, चाहे तो आप ऑटो इनहेरिट है, मतलब आएगा जो स्क्रॉल है ये क्या करेगा, आपको स्क्रॉल ले आएगा। तो आप इसको क्या कर दें, आप इस पे इसको आप हिडन कर दें। हिडन करने से क्या होगा, जितना भी हमारा स्क्रॉल होगा, जो हमारा ओवरफ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। हिडन का मतलब यानी वो इसके पीछे चला जाएगा, स्क्रॉल जो हमारा कॉन्टेंट है वो पीछे चला जाएगा। और विजिबल जो है हमारे पास बाई डिफॉल्ट विजिबल होता है ओवरफ्लो, अगर आप चाहें तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो हम स्क्रॉल को करके भी देखेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, ये जो मेरा कंटेंट था ये ओवरफ्लो अब नहीं हो रहा, उतना कंटेंट दिखा रहा है जितना इस बॉक्स का साइज है, बाकी जितना भी है वो मेरा इसके पीछे चला गया, ठीक है, वो हमें शो नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हम इस तरीके से हम ओवरफ्लो उसको हिडन बना सकते हैं। अगर मैं इसको विजिबल कर दूँ तो विजिबल बाई डिफॉल्ट होता है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट ये देखें विजिबल है। अगर मैं चाहूँ इसे, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, स्क्रॉल स्क्रॉल बना दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा पूरा कंटेंट दिखे, ये पीछे ना जाए, स्क्रॉल वाइज दिखे भले। तो ये देखें इसमें स्क्रॉल आ गया, स्क्रॉल वाइज आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल वाइज बना सकते हैं ओवरफ्लो के थ्रू। तो ओवरफ्लो में मैंने कितनी टोटल तीन प्रॉपर्टीज आपको बताई, कि एक्स वाली तो मैंने आपको वर्बली बताई है, वाई वाली बताई है, और इसके अंदर जो वैल्यूज यूज होती हैं स्क्रॉल हिडन और विजिबल, ये तीनों मैंने आपको ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के अंदर करके दिखाई है। अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करते हैं हॉरिजॉन्टल वाई, सिर्फ वर्टिकल से स्क्रॉल नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल से आएगा, वर्टिकल से स्क्रॉल आएगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं आएगा। तो ये देखें मेरे पास यहाँ से जो नीचे स्क्रॉल बार था वो चला गया। आप अगर आप इसको एक्स में ले आए और वाई से हटा दें तो ये आप क्या होगा, ये देखें वर्टिकल में मेरे पास स्क्रॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है, और ये मेरे पास एक्स में जो है वो स्क्रॉल आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको विजिबल भी कर सकते हैं। तो एक्स और वाई मैंने आपको दोनों यूज़ करके दिखाई है, आप चाहें तो इसको विजिबल कर दें तो ये आपका आपका जो कॉन्टेंट है वो एक्स वाइज जो है वो बाहर आता रहेगा। तो मैं इसको फिलहाल के लिए वाई कर देता हूँ, विजिबल है हो रहा कंटेंट, तो मैं इसको हिडन कर दूंगा क्योंकि मुझे एक्स से चाहिए, वाई से चाहिए हिडन ना कंटेंट। तो ये मैं इसको खाली मैं इसको हिडन भी लगा दूंगा तो ये हिडन हो जाएगा, ये देखें आप। तो इस तरीके से आप ओवरफ्लो का यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ओवरफ्लो का, बस आप सिर्फ ओवरफ्लो लगाएं, एक्स और वाई यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ये शॉर्ट हैंड है, क्योंकि एक्स और वाई का आप इसको हिडन कर दें तो आपका ओवरफ्लो ख़त्म हो जाएगा, जो कंटेंट में ओवरफ्लो आ रहा होगा बॉक्स में आपकी, वो ओवरफ्लो ख़त्म हो जाएगा। आपको विजिबल रखना है तो आप इसको विजिबल कर दें, बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है। और अगर आपको स्क्रॉल बार में अगर आपको कंटेंट दिखाना है तो आप इसको स्क्रॉल वाइज भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।